दास है, लेकिन इनका पहला नाम था गोपाल चापा। ये बड़ा संतों का निंदा करता था। संतों को देख, किसी किसी स्वभाव होता है ना, हैं, इसलिए संतों को देखते ही बस बुराई करना शुरू कर दे। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव है, इसलिए ऐसे बुराई कौन करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार तरह का व्यक्ति तो मेरे भजन करते हैं और चार तरह का व्यक्ति मेरे भक्ति नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु तेरे भक्ति कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं कौन। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, न माम दुष्कृत ने मूढ़ा प्रपद्यंत नराधमा मायायाम अपरहित ज्ञान आसुर भाव। वो चार तरह का व्यक्ति कौन जो भजन नहीं करते हैं, बोले जिनकी पूर्व जन्म में बहुत पाप है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, कंस। कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान का नाम सुनते ही उछड़ी जाते थे, हैं। कारण क्या है, कि ये सब के सब पूर्व जन्म में बहुत पाप कर्म करके आए, इसलिए होने का नाते भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में, भगवान की चर्चा में उनको उनको चिड़ आता था, हैं। इसलिए कहते ये लोग कौन है, बोले ये दुष्कृति परायण है, सब पूर्व जन्म का इनका पाप है, हैं। बोले वो दुष्कृति परायण कौन कौन है, बोले चार तरह के व्यक्ति जो मेरे भजन नहीं करते। बोले पहला नंबर है जो मूर्ख है, जो मूर्ख मेरे भजन नहीं करते हैं। मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, बोले जो अत्यंत अत्यंत जो नरों में जो अत्यंत गिरे हुए व्यक्ति है, जो अत्यंत जो पतित व्यक्ति है, वो मेरी भक्ति नहीं करेगा। और आसुर भाव आश्रितम, जिसको स्वभाव है राक्षस स्वभाव, जैसे रावण, विभीषण भजन करता था, लेकिन रावण भजन करता था लेकिन क्या रावण का शरीर में लिखा हुआ था ये राक्षस है, क्या उसका शरीर में क्या लिखा हुआ था वो राक्षस है, लेकिन उसको राक्षस कहते। बोले क्यों, बोले भगवान का विरोध था, लेकिन विभीषण को क्या मानते, ये देवता है। कारण क्या है, ये भगवान का भक्ति करता था, भजन करता था, लेकिन रावण का दो सिंह नहीं था और विभीषण का सिंह था, उसका सिंह नहीं था, इससे परिचय नहीं। वो स्वभाव से परिचय पता चलता है ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है। इसलिए जब जो राक्षस प्रकृति का लोग है वो मेरे भक्ति नहीं करेंगे। न माम दुष्कृत ने बुढ़ा प्रपद्यंत माया कथम मायायाम अपरहित ज्ञाना, जिनको माया ने, जिनका बुद्धि संपूर्ण रूप में माया ने जिनका बुद्धि नष्ट कर दिया, कहते वो व्यक्ति मेरे भजन नहीं करेंगे। कहते चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते हैं। बोले चार तरह का व्यक्ति कौन है, चतुर्विधा भजन्ते। हाँ, कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन हार्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी सर्त सब। कहते वो चार तरह का व्यक्ति कौन है जो मेरे भजन करते हैं। कहते जो चार तरह का व्यक्ति जिनको पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर दिया, बड़े पुण्यात्मा, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म नाम बहु नाम बहु नाम आते ज्ञान बान माम प्रपद्यन्ते, हैं, सब महात्मा सुदुर्लभ। जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो वो व्यक्ति मेरे भजन करते हैं, हैं। ये चार तरह का व्यक्ति, बोले ज्ञानी, जो बड़े ज्ञानी हो, जैसे चतुसने हैं, इसलिए आर्त दुख में पड़ करके, जैसे ध्रुव महाराज, ये जैसे हाथी ने, हैं, जैसे हाथी ने जब मगरमच्छ उसको पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में उनने एक फूल लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान चक्र को भेज करके उन्होंने मगरमच्छ को काट दिया। लेकिन आप बोलोगे एक हाथी का भी भजन करता है, एक हाथी का भी प्रभु को फूल दे सकता है, थोड़ी हाथी दिया गया इसे। बोले पूर्व जन्म में उसने पुण्य किया है, पूर्व जन्म में ये अगस्त कहती है इंद्रदुम्न राजा थे, एक दिन भजन कर रहे थे, कभी एक संत आए अगस्त ऋषि, ये ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे थे, तब इन्होंने सोचा अभी तो मैं ठाकुर को सेवा पूजा कर रहा हूँ, वो आया तो बैठ जाएगी, साधु होने पर भगवान से थोड़ी बड़े हैं, भगवान से थोड़ी बड़े हैं, जब मेरा ठाकुर को सेवा पूजा हो जाएगा फिर वो संतों का आदर करूँगा। लेकिन नियम ये नहीं, कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊँ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद, इसलिए प्रथम अंतु गुरु पूज्य। अगर भगवान, अगर कोई संत खड़े हुए
हम पहले भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, किसको प्रणाम करेंगे? संतों को, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि जो भगवान के चरण में, हमें कौन बताएगा भगवान की भक्ति के बारे में? गुरु तो बताएंगे ना। लेकिन इसलिए अगस्त ऋषि को क्रोध आया, क्रोध आया तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले तू भजन तो कर रहे हो, लगता है किसी संतों की अनुगत्य में तुमने ये भजन का पद्धति तुमने नहीं सीखा। हाथी जैसे एकदम, हाथी जब चलता है ना डोंट केयर, ऐसे ऐसे करते सब झुकते झुकते चलते, बोले तेरे व्यवहार हाथी जैसे, तू हाथी बन जा। अभी उनका सारे नशा उतर करके मस्ताना बोल रहे हैं, उनको बोले हमने तो अपराध किया, चरण में गिर पड़े, बोले मेरे उद्धार कैसे होगा? बोले ठाकुर तेरे को उद्धार करेंगे। इसलिए एक हाथी ने जो भजन किया है, कैसे पूर्व जन्म में इनकी सुकृति थी, पूर्व जन्म में उन्होंने अच्छा कर्म किया है, इसलिए अर्थ अर्थार्थी कहते पैसा की लोभ से। बोले कौन? बोले ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भजन करने के लिए गए, उन्होंने 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। अभी कहीं पर आता है ध्रुव जी को तो बड़ा अभिमान आया, क्यों? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। कहते जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवत नाम नहीं आता है, कहते 6 महीना में, 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर दिया। कभी उनको अभिमान आए, अभिमान आया तो नारद जी बोले ध्रुव जी इधर आ जा, और उनको लेकर के पानी में समुद्र में गए। बोले बताओ तो ये क्या है? बोले ये हड्डी का पहाड़ है। बोले तेरे को पता है ये हड्डी का पहाड़ किसके? बोले किसके? बोले तेरे है। बोले मेरे कैसे? बोले पूर्व जन्म में इतने तुमने भजन किया, इतने जन्म तक भजन किया, वो शरीर जब छोड़ा वो हड्डी का ये पहाड़ बन गया, और इसी जीवन में क्या दिखता है तेरे को? 6 महीना में भगवान मिल गए। 6 महीना में नहीं मिले, पहले तुमको इतने जीवन तक तुमको साधन करना पड़ा, तभी इस जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए बोले अर्थ अर्थार्थी ज्ञान, बोले बोले ज्ञानी, बोले ज्ञानी कहती है चतुसन है, चतुसन ये ज्ञानी थे, बा ये चतुसन इन लोगों ने, चतुसन इन लोग भी ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा जी की मानस पुत्र। और आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, बोले जिज्ञासु में कहती है सौनकादि ऋषि लोग, हम आज कथा सुनेंगे, सुत गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किया था है, उन्होंने 6 प्रश्न किया था। बोले तब भी ये 4 तरह का व्यक्ति भक्ति करेंगे, बोले जना सुकृति न अर्जुन, अगर इनकी पूर्व जन्म में कोई अच्छा सुकृति होगा, अच्छा कर्म होगा, तब भी भगवान के भजन में आ सकते हैं, नहीं तो भगवान के भजन में सभी नहीं आ सकते हैं, भगवान का नाम में सबका रुचि नहीं होगी। बड़े पुण्यात्मा का भगवान का नाम में, बड़े पुण्यात्मा का, बोले कौन? कृष्ण स्वयं कहते हैं जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, कहते हैं अर्जुन भगवान का नाम कौन करेगा? बोले जिसने पूर्व पूर्व जन्म में कितने, बोले 100 जन्म जिसने भगवान की निष्कपट रूप में ठाकुर का सेवा पूजा किया होगा, तब भी इसी जीवन में भगवान का नाम स्वच्छ नहीं, तो भगवान का नाम स्वच्छ नहीं लगे, क्यों ना दुनियादारी की बात हो, बैठ बैठ कर घंटा घंटा तक उसमें बिताएंगे, बोले थोड़ा हरिनाम करो, बोले अच्छी नहीं लगती, समय नहीं भगवान के भजन के लिए, बोले समय नहीं, बोले कारण क्या? बोले पाप है, ये पाप है, ये पाप भजन करने नहीं देता है। इसलिए जब नारद जी वाल्मीकि से मिले, पहले दशरथनगर था, बोले बोलो राम, बोलो लेकिन उसको मुंह में राम आया नहीं, आया नहीं राम का नाम, क्योंकि पाप कर्म किया हुआ था ना। बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकते, बोले हाँ ये तो बोल सकता, लेकिन उसने मरा मरा करते 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 राम राम हो गया। इसलिए इसलिए कहते ये जो गोपाल चापाल है क्या करता था, संतों को निंदा करता था, बुराई करता था, संतों को देख नहीं सकता था, हैं कुछ लोग का स्वभाव ऐसे होता है। लेकिन ये 4 भाई थे, 4 भाई दिन रात घर में बैठी करके, पूरा उनका परिवार, पूरा 4 भाई 4 बहुएं जैसे तुम्हारी बच्चे हैं ना, सब बैठ जाते, सब बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करते थे, करते थे, ये चिंता था। और कभी कभी उनका जगत में कोई अच्छे व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति होते थे, कर देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं,
दिन भर घर में प्रभु का नाम कीर्तन चलता रहता है, हाँ कितने उनकी कोई कोई लोग उनकी प्रशंसा करते थे, अच्छे लोग, इसको सहन नहीं होता था, इनका हैं इनका बड़ाई हो रहा है, मेरे को कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई बड़ाई नहीं कर रहे, इनका जगत में बड़ा नाम हो रहा है। उसने क्या किया, इनकी बदनामी कराने के लिए रात रात उनको घर को सामने मांस मदिरा और एक फूल होता है जवाब फूल लाल रंग का, जो देवी पूजा होता है, और जो देवी पूजा की जितने सामग्री उनको घर को सामने रख दिया। रख करके जब सवेरे हुआ ना, सब लोगों को अड़ोसी पड़ोसी को बुला बुला, देखो तुमको ये लगता है रात भर भजन करते हैं, इसको भजन भजन नहीं कर, ढोंगी है, देखो ये सब क्या चीज़ पड़ा हुआ, मांस मदिरा जवा फूल और क्या उल्टा पुल्टा है, रात को ना ये सब उल्टा पुल्टा काम करते हैं, और ये मंत्र पढ़ करके स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, उनके साथ में भोग करते हैं, आपको लगता है ये भजन करते हैं, ये ढोंगी भोंगी है, उनका नाम पर तो बदनाम करा दिया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं हर चीज को सहन कर सकता हूँ, लेकिन यार मेरे भक्तों को कोई बदनामी करे ना, भगवान कहते हैं मैं कभी इस चीज को सहन नहीं कर सकता हूँ। भगवान खुद कहते हैं अगर मेरे ये हाथ कभी संतों की विरोध में अगर मेरे हाथ भी गया ना, मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा। भगवान कहते हैं मेरे अपना हाथ को भी मैं काट दूंगा, मैं कभी संतों का बुराई नहीं सहन कर सकता। क्यों? संतों दिन रात मेरी याद करते हैं, मेरे को हृदय में बैठा कर रखते हैं, मेरे भजन करते हैं, मैं संतों का कैसे बदनामी, जिनने मेरे लिए अपना भाई बंधु पुत्र परिवार सबको ठुकराया, दिन भर मेरा आस लगा कर बैठा हुआ, मैं उसको कैसे सहन कर सकता हूँ। उसको हो गया कूड़, हो गया है ऐसे कूड़ हो गया, गले में नाक में कीड़े पड़ गए उसके, एकदम कीड़े पड़ गए हैं। जब कीड़े पड़ गए अभी तो छटपटाता है, इतने कष्ट उसको हुआ, इतने कष्ट हुआ, संत निंदा की फिर तो तड़फड़ाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गई, बोले प्रभु मेरे अपराध माफ कर दो, मैंने संत चरण में अपराध किया है, मेरे अपराध को माफ कर दो। भगवान ने कहा देखो अगर कांटा अगर प्यार में गड़ जाता है ना, सर में नहीं निकलता, वो प्यार से निकलेगा, इसलिए तुमने निंदा की संतों की, किसको सिवा नारद स्वयं भगवान की परम भक्त है, दिन रात भजन करते हैं, तुमने निंदा की उनकी चुगली की इसकी, और मेरे पास में माफी मांगने के लिए आ रहे हो, कांटा जिधर गड़ा है ना उधर से निकलेगा, उनके चरण में जाओ। फिर उन्होंने उनके चरण में गए, माफी मांगी, लेकिन संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, जब उनको गिड़गिड़ाते हुए देखे, उनकी रोते हुए देखे, कष्ट देखे, संत ने माफ़ कर दिया, उनको माफ़ कर दिया, और उनको महाप्रभु बोले देखो अगर हमने कभी मुंह में विष खा लिया ना, जिस मुंह में हमने विष खा लिया, अगर उसी मुंह में अमृत लेना पड़ेगा तभी जाकर वो विष खत्म हो जाएगी। बोले जिस मुंह में तुमने ये संतों को तुमने निंदा की, अभी उसी मुँह से तुमने संतों की बड़ाई करना पड़ेगा, संतों की बड़ाई, उनको गुणगान प्रशंसा करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, तुम्हारी ये अपराध माफ होगा। अभी जो हम भजन गा रहे थे ना, हाँ देखो वृंदावन वासी जतो वैष्णव रघुवर, मतलब वृंदावन में जितने रहते सब संत वैष्णव, प्रथम वंदना करी सभा, हम पहले सबसे चरण में हम प्रणाम करते हैं, नीलाचल वासी जतो महाप्रभु का, जो जगन्नाथपुरी में जितने रहते सब महाप्रभु का अपना गहन है, हैं भूमि ते पड़िया बंद सवारा चरण, हम जमीन में हम गिर करके उनके सबके चरण में हम प्रणाम करते हैं, नवद्वीप वासी तो महाप्रभु भक्त, नवद्वीप में जितने रहते सबके सब महाप्रभु के भक्त है, सबका चरण को हम प्रणाम करते हैं। बोले जैसे से जैसे वैसे गौरांगण कर्म, अभी केवल यही नहीं अगर और भी कहीं महाप्रभु के भक्त लोग बैठे हुए तो ऊर्ध्वाहु करी बंद सवारा चरण, मतलब हाथ उठा करके सारे संतों को हम यहीं से प्रणाम करते हैं, हैं? इसलिए ये जो कीर्तन रोज इस कीर्तन में गानी चाहिए, मेरा बंगला है, लेकिन अगर धीरे 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 अगर धीरे धीरे गाओगे तो धीरे धीरे तुमको इसका मीनिंग तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए कहते हई अच्छे न हई वे न प्रभु जतदास, मतलब पहले जितने हो चुके हैं, अभी जितने हुए और बाद में जो होने वाले संत हैं, हम सबको हम प्रणाम करते हैं, हैं? सबको हम प्रणाम करते हैं, इसलिए सारे संतों का नाम लेकर के ये भजन में सबको प्रणाम करते हैं। इसलिए भजन गाने से क्या होगा, अगर कहीं हमारी
किसी संतों को चरण में अपराध हो गया होगा तो अगर ये भजन गाओ तो सारे हमारे अपराध दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग रोज रोज ये भजन को गाया करते हैं, इसलिए आप लोग रोज रोज, रोज गाएगा। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सहा अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम हरि वरदान सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण धन आत्मनि अनुकूल मात्र कार्य रुकारि प्रतिकूल भाव भजनिकार शरण शरणागति हरि बेजहार प्रसना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन हरे संत तीन कारी भक्ति विनोद पड़े दो पद धारी कांदिया कांदिया बोले आमिता धा सिखाए शरणागति करे उत्तम। जय सचि नंदन जय गौर हरि सचि नंदन जय गौर हरि जय सचि नंदन जय गौर हरि सचि नंदन जय गौर हरि। देखो ये भजन तो बंगला भजन है लेकिन इसको बड़े बड़े संतों ने लिखा है। ये जो भक्ति भजन को श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं। बोले भगवान ने ये जीवों को ऊपर में कृपा करने के लिए उन्होंने अकेले नहीं भगवान आते हैं, जब आते हैं अपना धाम और अपना परिकर भक्तों को लेकर के आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसी जगत में आए पूरा अपना भक्त अपना परिकरों को लेकर के आए, अभी वो चाहते हैं हमको दुर्लभ प्रेम देना चाहते हैं, ठाकुर का चरण में हमें भक्ति प्रेम देना चाहते हैं। अभी प्रश्न है फिर वो प्रेम भक्ति मिलेगा कैसे, बोलने पर तो नहीं मिल जाएगा ना, मिलेगा मिलेगा कैसे? तो तभी मिलेगा अगर छह चीज अगर तुम्हारे अंदर में आ गई पर तो भगवान तुम्हारे प्रेम में बसवत हो जाओ, ठाकुर तुम्हारे प्रेम में बस, तुम भी एक दिन मीरा भी बन सकते हो, एक दिन तुम गोपी भी बन सकते हो, है एक दिन तुम ध्रुव प्रह्लाद भी बन सकते हो, एक दिन तुम हनुमान भी बन सकते हो, एक दिन तुलसीदास भी बन सकते हो। अगर ये छह गुण अगर तुम्हारे अंदर में आ गई, बोले ये छह गुण क्या है? बोले पहला लक्षण है दैन्य। दैन्य मतलब होता है दीनहीन भाव। भक्तों के अंदर में ये भावना रहते हैं हम सबसे छोटे हैं, सबसे सबके सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे किसी पेड़ में जो फल आता है ना वो फिर सीधा नहीं होता है, अपने आप झुक जाती है। जिसको अंदर में जितने सद्गुण आएगी वो क्या होगा, वो उतना झोंक जाएगी, उसके अंदर में अभिमान नहीं आएगा, वो उतना झोंक जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर तुमको भक्ति करना ना तुम्हारे अंदर में चार गुण आने चाहिए। कितना गुण आने चाहिए? चार। क्या क्या है? पहला नंबर है दीनहीन भावना, है त्रिनादपि सुनिचैन, बोले घास से भी ज्यादा
नीचू बन करके रहो। जैसे अब चलोगे ना घास के ऊपर पैर रख लोगे, उसका सर तो नीचा हो जाएगा, लेकिन पैर उठाओगे जब सर ऊंचा हो जाएगा। बोले नहीं, उससे भी दीनहीन बनो, बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। हाँ, वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। देखना, पानी नहीं देने पर भी पानी को भी मांगता नहीं, उसका टहनिया काट दो तभी कुछ बोलता नहीं। अब लकड़ी को काट कर देखो घर का सब कितना क्या चीज बनाया, कभी कुछ ने बोला मेरे को? हर समय दूसरे की उपकार करता है। जैसे जा रहे हो आम के पेड़ में, एक आम है, उठाया पत्थर मारे, मारा तो उसको, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? तुम्हें फल दे दिया। मारा उसको लेकिन उसने तुम्हें फल दे दिया। रास्ता में जा रहे हो, बड़ी धूप है, सोचा पेड़ को नीचे था बैठ जाए, लेकिन कोई आसन नहीं, पेड़ का टहनिया तोड़ करके उसके ऊपर बैठ गई। लेकिन ये नहीं बोलता तू मेरे हाथ पैर क्यों तोड़ दिया, तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा। वो बोलता है? नहीं बोलता है, तभी तुम्हें छाया दे देती है, हैं? इसलिए ये गुण आनी चाहिए, हर समय दूसरे की उपकार और सहन। कितना जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। संसार में भी देखना, अगर किसको अंदर में सहन शक्ति नहीं हो ना, बस उसमें सिनसिन अभाव रहता है। पति ने दो बात बोल दिया पत्नी को, पत्नी सोचती है मेरे भी मौका आएगी तेरे को भी दिखाओ। मेरे भी आगे ना उसने दो सुनाई या छह सुना दी, फिर पत्नी सुन, पति सोचेगा तेरे को भी दिखाऊंगा तो मेरे को सुना दिया, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती ना। अगर पति अगर बोल दिया, पत्नी अगर सुन ली, कोई बात नहीं, बोल दिया। अगर पत्नी भी कभी पति को बोल दिया, कोई बात नहीं, घर बार यही देखती है, कोई बात नहीं, बोल दिया। अगर सहन कर दिया तो देखना संसार भी तुम्हारी बढ़िया चलती रहेगी। अगर तू था मैं मेरी हो गया, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, हैं? इसलिए कहते सहन शक्ति होनी चाहिए। इसलिए बोले ये, और हर समय दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को हर समय सम्मान देनी चाहिए, किसको साथ में असन्मान नहीं करनी चाहिए। कहते कि चार ही गुण तुम्हारे अंदर में आ गया ना, फिर तो तुम आसानी से, हैं, हर समय तुम भगवान की भजन कर सकते हो। अगर ये गुण नहीं आए ना, थोड़ी सी कोई बात कर ली अगर मन मचल गया, फिर भजन कैसे करो? मन में तो खिलबिली मच रहेगी, भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते पहला गुण आनी चाहिए दैन्य, दूसरा गुण भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में अपने आप ठाकुर के चरण में समर्पित हो जा। ठाकुर जी आप मेरे हो, मैं तुम्हारा, हैं? आप मेरे और मैं तुम्हारा, संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की चरण में समर्पित हो जाओ। जब उनकी चरण में समर्पित हो जाओगे, फिर करोगे क्या? फिर उन्हीं के लिए करोगे, घर में रसोई बनाओगे तो क्यों? तुम्हारे चरण में समर्पित हो गया, अभी जो कुछ करूंगा तेरे लिए तो करूंगा। जैसे पत्नी शादी कर लेती है, शादी के बाद उसको क्या पता चलता है कि मेरे पति है? तब पति को तो उसको सेवा तो करती है ना, उसको तो सेवा ही करती है। इसलिए वो तो जगत का पति, लेकिन जो परम पति कौन है? ठाकुर जी है। जब हम उसकी चरण में शरणागत हो गए, फिर क्या करेंगे? उन्हीं के लिए जो कुछ करेंगे हम, रसोई बनाएंगे तो उन्हीं के लिए, घर साफ करेंगे तो उन्हीं के लिए, हैं, श्रृंगार करेंगे तो उन्हीं के लिए, जो कुछ करेंगे इसके लिए किसके लिए करेंगे? ठाकुर जी के लिए करेंगे। इसलिए जब भगवान की चरण में हम समर्पित हो जाते हैं ना, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले आत्मनि वेदन तू आपद करी हई नो परमा सुखी, दुख दूर गेला चिंता ना रहिला चौधरी गे आनंद देखी। भजन में क्या कहते, कितने अच्छी बात, बोले ठाकुर जी जब मैं तुम्हारे चरण में शरणागत हो गया ना, हैं, भाई नो परम सुखी, अभी मेरे कोई दुख की है नहीं, अभी मैं सुखी हो गया, हैं, बोले दुख दूर गेला चिंता ना रही लो। जब ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, अभी रखवाली तो वही करेंगे ना, हमें रखवाली वही करेंगे। इसलिए चौधरी के आनंद देखी, चारी तरफ में मेरे को तो आनंद ही दिखता है। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी के चरण में अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण दो। जो ठाकुर जी के चरण में ही अशोक अभय और अमृत, और ठाकुर जी के चरण में ही ये तीन चीजें, जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, फिर हमें अशोक अभय हमें अमृत की हमें प्राप्ति होगी। बोले ताहते एक विश्राम लभिया छाड़ी नु भवेरे भय। जब ठाकुर जी के चरण में हम शरणागत हो गए, फिर संसार का कोई डर भय नहीं, कोई डर भय नहीं,
हैं। इसलिए भगवान के चरण में हमें समर्पित हो जानी चाहिए। आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन गुप्त वर्ण, बोले भगवान हमें पालना करने वाले कौन? बोले ठाकुर ही। पालना करने वाले कौन है? ठाकुर ही हमें पालना करने वाले हैं, ठाकुर जी को चरण में। क्योंकि जिसने एक चिट्ठी से लेकर के हाथी तक पालना करता है, वो कि हमें पालन नहीं करेंगे, हमें भी वो भी वही पालन करेंगे हैं। इसलिए कहते उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा है, जैसे इसका मैया कौन है? उसकी इसको मैया है। तुम्हारी मैया कौन है? देखना ये बच्चे अपना खाने के लिए कोई चिंता करते हैं नहीं, पहनने के लिए कोई चिंता करते हैं नहीं, सोने के लिए कोई चिंता कुछ चिंता नहीं करते। क्यों? इन्होंने अपना माँ के चरण में शरणागत है। हाँ, भले ही मैया अगर खाना नहीं खाएगी, बच्चे अगर सो जाए ना, खेल कूद करते भोजन नहीं किया, मैया जब तक इनको उठाकर खिला नहीं देगी ना, मैया खुद खाएगी नहीं, उनको खिला करके ही खाएगी। क्योंकि ये शरणागत किसके चरण में? अपना माँ की शरण में ये शरणागति है, हैं? कहते उसी तरह जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी क्या हम नहीं देखेंगे? इसलिए भगवान खुद कहते हैं, अनन्नश्चिन्तयन्त माम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाख्यं वहामि अहम्। कृष्ण खुद कहते हैं, जो मेरी भरसा लेकर पड़ा हुआ है, दिन रात मेरा चिंता मेरी चिंतन भजन करता है, उसका चिंता मैं बहन करता हूँ। उसके घर में जो चीज नहीं होगा, मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। जो चीज होगा, मैं स्वयं उसको रखवाले करता हूँ। भगवान इतने बड़े भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं, हैं? इसलिए कहते हैं गुप्त वर्णम तथा अवश्य रक्ष गुप्त वर्ण आत्मनिक्षेप कार्पण्य। इनके अंदर में संपूर्ण रूप में विश्वास होता है, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे, हर समय हमको रक्षा करेंगे। इनके अंदर में ये विश्वास हर समय एकदम पक्की विश्वास इनके हृदय में बनी रहती हैं, हैं? ठाकुर के चरण में जो शरणागत होते हैं, भगवान स्वयं कहते अर्जुन कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मैं भक्तों को हर समय में रक्षा करता हूँ भक्तों। इसलिए भक्तों के अंदर में ये पूर्ण विश्वास रहता है ठाकुर जी के चरण। इसलिए और अनुकूल से संकल्प और प्रातिकूल से विवर्जन, भक्ति की जो अनुकूल मतलब जो काम करने पर भगवान खुश होंगे, गुरु वैष्णव खुश होंगे, वही काम ही हम करेंगे। जो काम करने से भगवान का जिसमें आनंद नहीं, भगवान का खुश नहीं, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। कदा अगर छह गुण अगर तुम्हारे अंदर में आ गया ना, बस भगवान ताहर प्रार्थना सुने स्पंदन भगवान, तुम भगवान को जो बोलोगे ना ठाकुर सुनेंगे। जो कुछ ठाकुर जी को बोलोगे ठाकुर जी तुम्हारी बात को ठाकुर जी सुनेंगे। अगर ये छह गुण आ गया, कहते अगर छह गुण आ गया ना, कहते करह उत्तम फिर जगत में तो तुम सबसे बड़े बन जाओगे, जगत में सबसे बड़े तुम ही बन जाओगे। क्योंकि ये छह गुण भगवान के चरण में, ये छह गुण तुम्हारे अंदर में ये आ गया है, छह गुण तुम्हारे अंदर में है। इसलिए क्या करो, इसलिए ये भजन में गा रहे हैं, ये छह गुण हमारे अंदर में धीरे 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 आनी चाहिए। लेकिन कैसे आएगा? हम जब धीरे 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 भगवान की भजन करेंगे, पूजा करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, फिर छह गुण धीरे धीरे हमारे अंदर में ये छह गुण आ जाएगी। इसलिए देखो ये भजन में कितनी अच्छी अच्छी बात बताते है। तो बंगला भजन आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो भजन है ना, ये बड़े बड़े संतों को द्वारा लिखा हुआ ये भजन है, बड़े बड़े संतों को द्वारा लिखा हुआ भजन ठीक है। बोले कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर मार्पय निज पद पंकज मकर कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे।
जग पिता मारी वेदे रति पासती नतव न खग मरी सनातन कलित अद्भुत रस भार अयम विलोल आज सनातन कलित अद्भुत रस भार निवस तु नित्य प्रियामृत निंदिनी बिंदन मधुरी मसार निवस तु नित्य प्रियामृत निंदिनी बिंदन मधुरी कृष्णदेव भवत्सम्पत्ते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे Hare
हरे कृष्णा परमार्थम श्री श्रीमद्।